ओके स्टूडेंट्स, हमने सीखा था ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू। आपको ये साइन बराबर याद होगा, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू। जब दो लाइंस, दो ऐसे स्लीपिंग लाइन एक साथ होती है तो उसका मीनिंग होता है इज इक्वल टू, माना दोनों तरफ सेम। जब ऐसा होता है, मैंने बताया था ना, जैसे समझ लो दिस इज द क्रोकोडाइल का मुंह है, ओके तो मुंह जिस तरफ खुला है उस तरफ ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, ज़्यादा पिक्चर्स होंगे, बड़ी संख्या होगी, और जिसके तरफ ऐसी चोटी होगी, पीक होगा, उसके तरफ स्मॉल संख्या होगी, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे, कम पिक्चर्स होंगे, ओके तो ऐसे हमें इज इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बिगर देन एंड स्मॉलर देन, स्मॉलर देन माना कम छोटा और बिगर देन माना बड़ा, ओके तो इसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको ये भी लिखना है। तो चलो, यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर्स, किसके पिक्चर्स है, कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज दिस? यस, स्नेल है ना, स्नेल, ओके तो हमें क्या करना है, देखना है पहले स्नेल्स को काउंट करनी है दोनों तरफ से, यहाँ पे और यहाँ से। वैसे तो आप देख के ही बोल सकते हो कि मैडम यहाँ पे ज़्यादा स्नेल्स है, यहाँ कम है, तो हमें उसके हिसाब से यहाँ लेस देन, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू लगाना है, ओके सिम्बल्स। चलो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, कितनी है, 4 है, ओके फिर यहाँ देखो कितनी है, 1 and 2, तो यहाँ 2। तो अब चलो बताओ बच्चों, क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ रहेगा, विच इज़ द बिगर एंड विच इज़ द स्मॉलर? 4 नंबर बिग है या स्मॉल है? बिग। तो हम मुंह किस तरफ रखेंगे क्रोकोडाइल का, इस तरफ, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब होता है 4 जो नंबर है, नंबर 4 है, वो नंबर 2 से बड़ा है, तो 2 इज स्मॉलर देन 4। 2 कैसा है, स्मॉल है, तो 2 इज स्मॉलर देन 4, 4 इज बिगर देन 2 या ग्रेटर देन बोल सकते हैं, ओके। द सेम वे सेकंड एक्सरसाइज आप देख सकते हो, यहाँ पे हैट दी गई है, आप बर्थडे में पहनते हो ना हैट्स, वो हैट्स दी गई है, यहाँ पे भी हम सिंबल लगाएंगे लेस देन या ग्रेटर देन का। चलो काउंट करो मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी है, 5। अभी ये काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, हो ये भी 5 है, दोनों तरफ 5 है, माना कोई बड़ा है नहीं है, कोई छोटा नहीं है। चलो मुझे बताओ यहाँ कौन सी निशानी, कौन सा सिंबल आएगा, 5, 5, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, नो इज बिगर देन और नॉट इज स्मॉलर देन, बोथ आर कैसे है, इक्वल है, माना हम 2 स्लीपिंग लाइन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू। रीड कैसे करेंगे, 5 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स दोनों तरफ बराबर है। अभी तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, चलो काउंट करो मेरे साथ चॉकलेट्स, 1, 2, 3, कितनी चॉकलेट्स है, 3, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कौन सा बड़ा है नंबर, 7 नंबर बड़ा है या 3 बड़ा है, 7, राइट right? तो हम क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ रखेंगे, यस 7 की तरफ, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3 इज स्मॉलर देन 7, 7 इज बिगर देन 3, अदरवाइज लेस देन 3 इज लेस देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 3, ऐसे पढ़ेंगे, ओके ऐसे बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है आज।